आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ाम के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग हजरत मौलाना सभी लोग आए, हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया, ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूँ कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए सौ साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें, और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं, और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं, और अगर किसी को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिना किसी डाउट के हमारे डीसीपी साहब को, एडिशनल डीसीपी रफीक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे। थैंक यू। एक चारमीनार के नाम कुछ रूट चेंज करें क्या करुणाकर, रूट क्या चेंज